माननीय अध्यक्ष महोदय, और विधानसभा में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय कार्यरत है, वो भी एक छात्रावास में है। उस छात्रावास की स्थिति ये करीब 40 वर्ष पूर्व बना था, उसकी स्थिति ये कि पूरी तरह से वो ज़मीन में धस गया है। उसकी हाइट, उस छात्रावास की हाइट मात्र 6 से 7 फीट रही है। आए दिन छात्रों के कई बार पंखों से लगी है। कल मतलब बुधवार को तो एक छात्रा के सिर पर लगी 7 टाके आए, और उससे पहले 7 दिन पहले और भी एक छात्र को लगी थी, कंटिन्यू लग रही है। इस समस्या को लेकर छात्रों ने, एबीवीपी संगठन ने 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए वहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं। कई मांगों को लेकर, एक तो वो जो कॉलेज भूमि आवंटित है वहाँ निर्माण कार्य शुरू था, 1.5 साल से कार्य बंद है कॉलेज का, तो उसमें वो कार्य जल्दी शुरू करवाया जाए। दूसरा ये है कि वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में जो भी विषय हैं उनके, जैसे भूगोल, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान पद रिक्त है। तीसरा है कि वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, जो बात तो अपन करते हैं फिर आज बहुत धन्यवाद। मुख्य बात यह है कि वो हड़ताल पर बैठे छात्र हैं, उनको उनका प्रशासन कभी भी मिलने भी नहीं जा रहे, और उनको आश्वस्त भी नहीं कर रहे कि वो कॉलेज का काम जरूर जल्दी शुरू करवाया जाएगा। मंत्री जी से मैं मिला था, मंत्री जी ने आश्वस्त तो किया, लेकिन कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा, और प्रशासन उनकी सुध ले और छात्रों को समझा कर उनका अनशन तुड़वा कर उन्हें आश्वस्त करें कि काम जरूर जल्दी शुरू करवा। धन्यवाद। श्री मंजीत धर्मपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया जो आने वाले समय के अंदर